मैंने दो बार कांग्रेस से चुनाव लड़ा, पूरी दुनिया जानती है कि मेरे मेहनत में, मेरे तपस्या में और मेरे भाव में कोई कमी नहीं रही। लेकिन 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 मैं मेरे मुकाम पे नहीं पहुंचा, और उसका कारण ये था कि मेरी तपस्या नहीं थी। विद्याधर नगर की जनता ने मुझे स्वीकार किया, लेकिन कांग्रेस को एक्सेप्ट नहीं किया। मैं अकेला ही नहीं, दो बार तीन बार मेरे पूर्व भी चुनाव हो चुके इसका परिसीमन होने के बाद में, लेकिन कांग्रेस नहीं जीत पाई। अब की बार मैंने 64,000 घरों में डोर टू डोर गया, 200 विधानसभाओं में मेरे से ज़्यादा मेहनत करने वाला इंसान नहीं, और उसके बावजूद मैं एक लंबे अंतराल से हारा हूँ। मुझे वोट भी 89,000 मिले, ऐसा नहीं वोट कम मिले। राजस्थान की विधानसभा के रिजल्ट उठा के देखो तो 89,000 के अंदर 70% MLA बन गए वोटों में, नहीं और वो भी दिया कुमारी जी के सामने जो मुख्यमंत्री की दावेदार थी। तो निश्चित तौर के ऊपर मेरी हार हुई, मैंने स्वीकार की। जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है, जनता को मैं जनार्दन मानता हूँ, जनार्दन को मैं परमात्मा मानता हूँ। तो परमात्मा का निर्णय जो हुआ उसको स्वीकार किया। फिर मैं मेरे कार्यकर्ताओं के बीच में जब हमने मनन किया, चिंतन किया कि हमारी हार का कारण क्या है, तो मेरे परिवार में, मेरे गुरुजनों से, मेरे रिश्तेदारों से और हमारे कार्यकर्ताओं से सबसे किया कि हमारी तपस्या में क्या कमी थी। हम लोग वापस जनता के बीच में गए, जनता पे बीच में गए, तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पे आप एक अच्छे इंसान हैं, हम आपकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम आपकी पार्टी को एक्सेप्ट नहीं करते। उस विद्याधरनगर विधानसभा की विचारधारा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने दो बार तन मन धन से ईमानदारी से सेवा की, और सेवा करके मैं हारा हुआ होने के बावजूद भी विद्याधरनगर के विकास के लिए मैंने 800 करोड़ रुपये सरकार से स्वीकृत करवाए। 24 घंटे के अंदर मैं 4 घंटे सोया, 20 घंटे काम किया। उसके बाद जब आशानुकूल परिणाम नहीं आते तो निश्चित तौर के ऊपर मैंने कोई गलती नहीं की, और मैं मेरी स्वेच्छा से, मेरी चाहत से और मेरे पूरे परिवार और मेरी पूरी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की स्वेच्छा से, ये जो कार्यकर्ता हैं, लिस्ट मैंने 300 कितने की दी है, 350 की दी होगी, लेकिन कार्यकर्ता 700 हैं। लोग लिस्ट 700 की देते हैं, कार्यकर्ता 300 आते हैं, हमने लिस्ट से डबल कार्यकर्ता ही आए हैं। इनमें एक उत्साह है, और आज ज्वाइनिंग आपने पहले भी देखी है, यहाँ पे ज्वाइनिंग आज भी देखी है, आपको अपने आप में फर्क नजर आएगा। आने वाले टाइम पे दिया जी के नेतृत्व के अंदर हम विद्याधर नगर का विकास करेंगे।